हम मोदी को वोट दे देंगे साहब कहता फिर काले करेंगे मोदी के प्रधानमंत्री बना देंगे काला टेस्ट वोट है तो सब कोई आ गया बाकी फिर अपना अपना जब जीता तो अपना घर में ढूक गया। सिर्फ एक ही नेता है तो ओवैसी है और कोई नेता नहीं है, कभी कुछ नहीं, कोई किसी ने किया, सब सिर्फ ठगा है, मुसलमानों को सिर्फ यूज किया गया है। अरुण कुमार को मैं सपोर्ट करता हूं कि 90 के दशक में बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा हुआ करता था, जंगल राज का हवाला देके कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। 90 के दशक का वो दौर था जब MY के समीकरण के बदौलत लालू यादव अपना साम्राज्य कायम रखे। अब राजद की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में है। 2024 के दंगल में जिस प्रकार से बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जहानाबाद की सीट सबसे हॉट सीट है, लगातार लालू यादव के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुसलमान और यादव वोट बैंक अभी भी उनके साथ हैं। और इस बार महागठबंधन की ओर से यहाँ पे सुरेंद्र यादव ने ताल ठोकी है। हमारी मौजूदगी अभी जहानाबाद में फिदा हुसैन रोड में और हम मुसलमानों के बीच हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस दम के साथ, जिस मुसलमानों के वोट के साथ लालू यादव लगातार कुर्सी पे बैठे रहे, इस बार जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होगा और इस बार के जो मुसलमान हैं वो किसे वोट देंगे और लालू यादव के दावों में कितनी सच्चाई है। और वहीं बात कर ली जाए NDA की ओर से चंदेश्वर चंद्रवंशी जी मैदान में, तमाम चीज़ों को समझने के मुसलमान के लिए कोई नेता नहीं है, ये जान लीजिए है ये नहीं है। कल यहाँ वोट है तो सब कोई आ गया बाकी फिर अपना अपना जब जीता तो अपना घर में ढूक गया। हमने के लिए कोई है कोई नहीं है, हमेशा ठगा गया, बस ठगा गया बाकी हमने के लिए कोई है ही नहीं है। आपने संकल्प लिया है किसके साथ रहेंगे? हम मोदी को वोट दे देंगे साहब कहता फिर काला करेंगे मोदी के प्रधानमंत्री बना देंगे काला टेंशन लेंगे। अरे कम से कम मोदी है तो देश में का जैसे हलचल हो रहा है ना, हलचल हो रहा है तो कैसे नहीं हो रहा, हो ही रहा। मोदी के साथ आप है ना? हाँ हम मोदी को वोट दे देंगे बाकी हमको कोई टेंशन नहीं है। मतलब मोदी के अच्छा नेता है? मोदी अच्छा नेता, मोदी का जो ये थी ना चमचा लोग वो बेकार है, जो हिंदू मुसलमान करता है वो। अच्छा, जो करवाते हाँ मोदी तो ठीक है, वाले भी करवाते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं दिन भर। हाँ कली बस आता है हिंदू, अरे हिंदू ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान में कोई दिक्कत है कि सब भाई लोग? नहीं हमने तो सब साथ में, सब खा रहे हैं पी रहे हैं सब हमने भाई में, मगर नेता लोग करता है, लड़वाता है। हाँ नेता लोग लड़वाता है। देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ मुसलमानों के लिए काम, ना कांग्रेस किया है ना RJD किया है, मुसलमान का कोई वोट का गिनती है गिनती? बाली का बकरा बना रहा। अरे मुसलमान को देखो नचा रहा है, सब कौन नचा रहा है? पूरा पार्टी नचा रहा है। यादव खान का सिर्फ एक ही नेता है तो ओवैसी है और कोई नेता नहीं है। सांसद भवन में कौन आवाज उठाता है? चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसी का बात CA का मुद्दा हो, अरे नहीं गिरेंगे सर, इतना टाइट है ना, गिर ही नहीं सकते कभी हम। पीछे चाहे सपोर्ट में सोलह चौबीस साल से कभी नहीं गिरा, आज क्या गिर जाएंगे आप पूछिए तो गिर जाएंगे। कभी कुछ नहीं, कोई किसी ने किया, सब सिर्फ ठगा है, मुसलमानों को सिर्फ यूज किया गया है और उसका सिर्फ एक ही है नेता हमारे ओवैसी, जो हर जगह हर वक्त ओवैसी के भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, चाहे वो हार जाए चाहे जीत जाए, हमारा अंतिम वक्त तक वो ओवैसी को ही सपोर्ट करेंगे। मोदी जी से कहे पड़े? मोदी जी क्या किए? मोदी जी क्या किए? मोदी जी क्या किए? मोदी जी आपने बताइए, आप बताइए। कर्जा लीन है लालू जी ने? मोदी लालू जी, अरे लालू जी कभी सपोर्ट किए हैं मोदी यादव को? जितना जितना गांव में होता है, जितना गांव में फसाद होता है सारा यादव ही करता है जी। यादव मुसलमानों को? अरे भैया मेरे कितना सीट दिए, आज हिना साहब को अकेले क्यों छोड़ दिए? हिना साहब है ना उनके, आज लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में जिस टाइम लालू जी जेल में जा रहे थे उस टाइम क्या साहबुद्दीन को ये मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? क्यों धोखा दिया है लालू? बहुत बड़ा धोखा दिया। आज हिना साहब को क्यों ऐसा ठुकरा दिए?
आज इनको क्यों एनडीए से निर्दलीय से खड़ा हुआ है? इस बार सुरेंद्र यादव उनके जो कैंडिडेट है हराइएगा आप लोग। सुरेंद्र यादव को बचपन से खड़ा होते देख रहे, जीतने नहीं किए हैं, अभी जीतेंगे, अभी आओ नहीं जीतेंगे, हम तो वोटे नहीं देंगे, नहीं देंगे जी। आप लोग दीजिएगा सुरेंद्र यादव तो वोट नहीं देंगे, फिर भी देखा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये देखिए, नहीं आप दो तरह का बात करने लगे, बात हम नहीं दो तरह कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कि नहीं देंगे फिर देखा जाएगा। हम बोले आप किसके साथ हैं जो युवाओं को आगे देखा जाएगा, जो जनता के लिए करेगा उसको वोट दिया जाएगा। किसके साथ हैं आप लोग? हम ओबाजी जी के साथ हैं एकदम बिल्कुल, तो उनको वोट देंगे, नहीं तो जय अरुण तय अरुण। अरुण कुमार को मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि वो पढ़ा लिखा शिक्षित एक उम्मीदवार है। मैं बात बोलता हूं क्लियर सर, चाहे वो कोई जाति से रहे, कुमार बसपा के उम्मीदवार इस बार किसी भी पार्टी के रहे, अरुण कुमार मैं अरुण कुमार को सपोर्ट करता हूं। जो पढ़ा लिखा रहेगा उसी सपोर्ट करूंगा जनता के लिए। जो अरुण कुमार, अरुण कुमार काम किए हैं, हमने आज से दो साल पहले मेरे एक परिवार थे उनको मैंने फोन किया था आदमी के थ्रू, उन्हें दिल्ली में एम्स में इलाज उन्होंने करवाया था। मैं उनको अरुण कुमार को सपोर्ट करूंगा सर, पक्का, ये मेरा वादा है सर। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लालू यादव के तरफ से ये दावा किया जाता है कि एम वाई के समीकरण के बदौलत उनका साम्राज्य कायम रखा है, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावी मैदान में राजद की ओर से सुरेंद्र यादव है, इस बार मुसलमान किनके साथ है, विकास के साथ है कि एनडीए के साथ है कि राजद के साथ है? ये सबसे पहले जहानाबाद के जो लोकसभा हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव, ये बिहार स्तर का चुनाव नहीं है, और केंद्र की जो सरकार का जो लोकसभा चुनाव है इसमें मुद्दे हैं, जो मुद्दे आपके सामने हैं वो देश की जनता की मुद्दे हैं। एक तरफ विकास का मुद्दा है, पिछले बार दो बार पूर्व में जो आपके 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आई और तब से लेकर के अभी तक का जो मुद्दा उन्होंने विकास किया, बहुत तरह के वादे किए, बहुत तरह के लुभावने वादे किए, चाहे उसमें युवाओं को नौकरी देने की बात हो, 15 लाख काला धन लाने की बात हो, ये सारे मुद्दे जो उन्होंने बोले आज वो कहीं पर नहीं है धरातल पर। तो अभी जो चुनाव हो रहा है ये दो धारा के चुनाव है, एक संविधान बचाने की धारा, एक संविधान उनको बदलने की धारा है। तो भाई जहानाबाद जो लोकसभा चुनाव है ये हमेशा अच्छा ही रहता है। अब जहानाबाद में जो कैंडिडेट हैं महागठबंधन के, उनकी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मुसलमान भी उनके साथ खड़े हैं। आपको ये लगता है कि जिस प्रकार से एनडीए की ओर से जो भी प्रत्याशी रहे 2014-2019 में लगातार कहा गया कि जहानाबाद में विकास कार्य किया जाएगा, वाकई में जहानाबाद विकास की, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी? देखिए विकास का जहाँ तक बात आ रही है तो हम लोग सही सच्चाई बात करेंगे। जिस वक्त 2019 में वो जीत करके रखे गए उसके बाद कोरोना काल था, तो बहुत सारी आवंटन राशि जो है वो नहीं आई है इनके पास, किसी भी मंत्रालय कोई भी जनप्रतिनिधि का जो योजना जो था उसको कोरोना काल में जनता के सहयोग के लिए रखा गया था। हाँ, लेकिन जो ये राशि आई है उसमें विकास हुआ है, और जब नहीं हुआ है तो उसमें जनप्रतिनिधि जो हमारे जो मंत्री हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जवाब देंगे जनता के बीच में। चूँकि सवाल तो भाई बहुत सारा है, युवाओं के भविष्य का भी सवाल है ना। चलिए तमाम मुसलमान जो भाई हैं यहाँ पे हम उनके बीच पहुँचे हैं। सर जिस प्रकार से 2024 को लेकर जो लोकसभा का चुनाव होगा, जहानाबाद काफ़ी हॉट सीट है, क्या लगता है कि इस बार जहानाबाद के मुसलमान किनके साथ? सबसे पहले तो आपको हम ये बताते हैं कि आप 90 के दशक को याद दिलाए स्टार्टिंग में, तो 90 के दशक में MY समीकरण नहीं था, ये टोटल लोगों का समीकरण था और ये व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई थी, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हुई थी। लेकिन वो सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो जब सत्ता परिवर्तन होता है तो उसमें अपने लोग डेवलपमेंट करते हैं, उसमें कोई मतलब एक समाज का डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन उस रिस्पेक्ट में इनके समाज का डेवलपमेंट हुआ। अब आ जाइए बात कि आप पूछ रहे हैं कि यहाँ के बिसात में हम क्या करना चाहते हैं। देखिए यहाँ में अगर कहा जाए तो अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं कि वर्क ऑफ डेमोक्रेसी का यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, जो डेमोक्रेसी एक्चुअल डेमोक्रेसी कहा जाए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सिर्फ वोटिंग राइट, जनता तो वोट दे दे रही है, जीत के चले भी जा रहे हैं, लेकिन ना कोई पहचान रहा है, ना कोई जान रहा है, एक तरफ अंबार रुपया चलेगा, एक तरफ कुछ भी चलेगा, तो ये हालात है। और डेमोक्रेसी में आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपकी भी कलम डेथ हो चुकी है, जब कलम डेथ हो जाता है तो डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाता है। डेमोक्रेसी को अगर समझना है तो एक 80 साल के एजेड आदमी से समझिए, वो डेमोक्रेसी ब्रिटेन में समझिए जाके, डेमोक्रेसी एक्चुअल है क्या। तो इस चीज़ पर आप लोग सवाल कीजिए।
ये आएंगे वो आएंगे उनका आना आ जाना ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लगा रहेगा। मताधिकार का प्रयोग आप ही लोग जनता ही मताधिकार का थोड़ी ना प्रयोग करते हैं हम लोग समझते ही नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या है। मताधिकार गए अंगूठा दबा दिए थेप्पा मार दिए को भी तो जागरूक होने जागरूकते नहीं है डेमोक्रेसी की जागरूकता नहीं है इनमें। ये सिर्फ अपने देख रहे हैं कि भाई हमारा जात का ही ये हमारा जात का ही ये हमारे जात का यही चीज है ना कि आंसू तो इसी बात का आ रहा है ना हम लोगों को कि हम लोग डेमोक्रेसी को समझ ही रहे हैं वोटिंग ऑफ राइट को समझ ही नहीं रहे हैं हम सिर्फ एक सिंबॉलिक चल रहे हैं और सिंबॉलिक का मतलब होता है कि कभी हम इनको जिता दे कभी उनको जिता दे। लेकिन अगर कहा जाए कि डेमोक्रेसी को लाना है तो एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना होगा। आपकी नजर में कौन हमारे पास कोई नहीं नजर आ रहे हैं। एक बंदा है जो अरुण कुमार जो डेवलपमेंट किया इन लोगों के रिस्पेक्ट में ज्यादा वो डेवलपमेंट किए हैं उनका ज्यादा डेवलपमेंट है बाकी हमको नहीं समझ में। कुमार के साथ है। साथ नहीं है हम डेवलपमेंट की बात अगर करते हैं तो उनके रीजन में इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ है रेलवे का उनका किया हुआ है कुछ स्कूल वगैरह को वो किए हुए हैं अच्छा कार्य किए हैं वो हाँ, तो उन रिस्पेक्ट में हाँ वोट देना देखिए वोट मेरा अलग मसला है वोट मेरा अलग मसला है अच्छा आदमी को वोट वोट मेरा अलग मसला है कि भाई सिचुएशन के हिसाब से अब उनके साथ मॉब चलेगी ही नहीं पब्लिक का जाएगा ही नहीं तो कहां से वोट दे देंगे वो। लेकिन और लोगों के रिस्पेक्ट में ये कैंडिडेट बेहतर है ये मेरा कहना है। चलिए कुछ और भी लोग हैं किनके साथ हैं चाचा आप कौन अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। लालू जी कह रहे हैं कि बिहार का जहानाबाद के जो मुसलमान है वो हमारे साथ आप किनके साथ हम लालू के साथ हैं। सुरेंद्र यादव को वोट कर रहे हैं जी हाँ अच्छा कार्य करेंगे करेंगे। एनडीए के चंदेश्वर चंद्रवंशी ने काम किया पांच सालों में नहीं कुछ किया नहीं कुछ किया। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ क्या लगता है सर किसको वोट किया जाएगा और कौन अच्छा कैंडिडेट है और अभी तक तो जहानाबाद में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको सिलेक्ट किया जाए सिवाय अरुण कुमार को। अरुण कुमार अच्छे कैंडिडेट हैं उन्होंने डेवलपमेंट किया है सही बात है लेकिन उनके अलावा कोई कैंडिडेट अभी नजर नहीं। अरुण कुमार के साथ हैं अभी कहा नहीं जा सकता है अच्छा कार्य किए तो हाँ किए हैं लेकिन उनके लिए कुछ सोचा जाएगा लेकिन कहा नहीं जा सकता है। जहानाबाद के आप लोग मूल निवासी एक लंबा अनुभव रहा है सर मतलब ये तो बता सकते हैं ना कि हाँ सर जहानाबाद में क्या लगता है विकास कार्य हो पाया कई सांसद बने चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हैं लालू जी वहाँ अलग राग अलाप रहे हैं कि इस बार सुरेंद्र यादव को वोट करिए विकास कार्य होगा क्या लगता है कि लालू जी के वादों में सच्चाई है। देखिए हम तो जहानाबाद में रहते ही नहीं थे हम 40 ईयर सर्विस करके अपना एयरफोर्स से अभी 4-5 साल रिटायर होकर आए। मेरे को जैसे कि कहना होता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोग बोले कि मेरा झंडा ऊपर रहे मेरा झंडा सदर है और क्या क्या नहीं बोल गए लेकिन एक लफ्ज़ों में इकबाल अल्लामा ने बोल के गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उसी तरह मैं एक लफ्ज में बोलता हूँ कि मुसलमान के कोई भी पार्टी रहबर नहीं है जो तो बोलते हैं कि मैं बोलने दीजिए ना मुसलमान के कोई भी पार्टी रहबर है नहीं है चाहे राजद हो चाहे नीतीश बाबू हो चाहे बीजेपी हो दो दो तीन तीन ने मुर्दा रखा रहता कोई क्षेत्रीय पार्टी गया तक कि हाँ कहा मुर्दा रखा हुआ है उनको खबर किया गया उसको गढ़ने नहीं दिया अभी तक कोई कब्रिस्तान को वहाँ घेरा बने और इस घेरा को सबसे ये मतलब कि विरोध करने वाला यादव है हर गांव में मैं लिखित में दूंगा और कौन यादव के उसका भी लिखित में दूंगा। यादव रोक लगा यादव ही रोक लगा है। लालू यादव तो बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए हमने सबसे ज्यादा क्या बोलने दी बहुत हम भी बोलते हैं कि हम भी लालू यादव के लिए बहुत कुछ करेंगे हम भी बोल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं करेंगे ठगे हैं मुसलमानों को ठगने का और क्या ठगने का काम किया है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ उनसे बात करेंगे क्या सर किधर का हवा चल रहा है नहीं अच्छा आप जहानाबाद में रहते हैं। देखिए कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे यहाँ से अपना व्यवसाय करते हैं और उनसे बात करेंगे कि इस बार किधर का हवा है किधर का हवा है इस बार जहानाबाद क्या मांग रहा है। जहानाबाद देखिए विकासशील चीज चाहिए क्या? विकास जिससे हो वो जो है ज्यादा बेहतर है शिक्षा हो रोजगार हो विकास हुआ है यहाँ पे विकास पहले के मुताबिक तो कुछ वैसा है नहीं। लालू जी बोल रहे हैं कि इस बार जो मुसलमान हैं जैसे पहले थे वो हमारे साथ आप लोग लालू जी के साथ हैं ऐसा 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 कुछ नहीं है जरूरी नहीं है। क्या नाम है आपका।
मोहम्मद सरवर आलम। तो आप लोग लालू जी के साथ हैं कि मोदी को वोट दे रहे हैं? देखिए, जो विकास करेगा, कौन कर रहा है आप बोलिएगा ना, आप तो विकास के हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं। जनता जान रही है विकास जिसके हिसाब से हो रही है, विकास हुआ है मोदी जी के राज में, मोदी जी के राज में हो चाहे नहीं हो, नीतीश के राज में तो विकास हुआ है। हाँ, नीतीश जी के राज में विकास हुआ है, मोदी जी अच्छा काम किए हैं। मोदी जी अच्छा काम अगर कर रहे हैं भारत के लिए तो वो अलग बात है। आप यहाँ नहीं रह रहे हैं क्या? मैं नहीं, हम भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो बेहतर है, नहीं तो मेरे लिए तो नीतीश कुमार, 10 सालों में मैं नीतीश कुमार का मैं फैन हूँ और उनसे ही मैं मतलब उनका हमारा विकास काम, वोट दीजिएगा आप? हम देंगे, लालू जी को नहीं दीजिएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं लालू जी को ही वोट दूं। चलिए ठीक है, ये यहाँ की जनता है, लगातार लोगों के मूड को हम समझने आए थे कि आखिर जो इस बार जो जहानाबाद में जो लोकसभा का चुनाव होगा लोग किसे वोट देंगे। क्या नाम है आपका सर? एमडी सलाउद्दीन। एमडी सलाउद्दीन यही काम करते हैं? यही मकान है तो काम क्या करते हैं? अच्छा, यही मकान, यही के निवासी है? जी एकदम बिल्कुल। किसके साथ हैं आप? हम तो आरजेडी के साथ हैं। आपके बगल वाले पड़ोसी बोल रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं, नीतीश के साथ हैं? पड़ोसी इतिहास लीजिए बताइए, पड़ोसी इतिहास उनसे फायदा है कि नहीं फायदा है? हम तो क्या फायदा है? सुरेंद्र यादव है तो सुरेंद्र यादव को एकदम बिल्कुल बिल्कुल 100% पे बत्ती जलेगा, एकदम लंटेन पे जलना है। मोदी जी उनका क्या? मोदी जी पे नहीं देते, मोदी जी तो बोल, मोदी जी बढ़िया है, काम करेंगे। मोदी जी ठीक है, नेता बढ़िया है। अच्छा, नेता बढ़िया है। मोदी जी जो आदमी है वो घटिया है, वो दड़बड़ है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सब करवाता, हिंदुस्तान प्रतिष्ठा भी करवाता है राजद हमेशा। वो उतना तो नहीं सुने हम, जितना मोदी के राज में सुने हैं उतना राजद के राज में साथ रहने वाले लोग अच्छे। हाँ, अच्छे नहीं हुआ केकरा, तुम लोग सुनो। देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, यूथ है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आखिर किनको वोट देंगे। का नाम है? नाम कहा बा? बबलू कुमार हुआ। केकरा वोट देते हूं अबड़ी? अभी तो मोदी जी डिसाइड नहीं, लालू जी डिसाइड ना है। मोदी जी अच्छा काम किए हैं ये तो देखे होंगे ना 10 सालों में, राजनीति हमरा ना पता चला। वोट देते हैं कि नहीं देते? वोट देते हैं, वोट देते हैं ना। हाँ, कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा है वो तो देख पहचानते होंगे ना? वोट ये पर देते हमने, जो समय आता ना वही समय कह दिया। मोदी जी अच्छा काम किए हैं कि खराब काम किए? अब देखिए जो चल रहा है जो तो ठीक है, मगर हम लोग क्या कहें, राजनीति के बारे में नहीं बता सकते। है जी कि नहीं है? आदमी तो हम ही है, आदमी है ना, तो बोले में दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रहा। मोदी जी को, मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, अगर खराब काम करेंगे तो लोग खराब बोलेंगे। वो तो परेशान कर रहा है जी। देखिए चचा है हमारे साथ, चचा क्या नाम है आपका? मेरा वोट यहाँ नहीं है। अच्छा, नाम क्या है चचा? मोहम्मद एहतराम। अच्छा, बिहारी के रहने वाले हैं चाचा? हाँ, बिहारी के। एक जब जानकारी लेना चाहिए था, बिहार के लिए मोदी जी ने काम किया? अच्छा, ठीक है, ठीक है, काम किया जी। लालू जी ने काम किया मुसलमानों के? अरे लालू जी, अरे दोनों काम किया है लालू जी। आपके नजरों में कौन अच्छा है? अरे हम लोग के नजर में सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। देखिए हम आज फिदा हुसैन मोहल्ले में पहुंचे थे, जहानाबाद का लोकसभा का ये क्षेत्र है, और यहाँ पे लोगों की राय समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जिस दमखम के साथ लालू यादव ये दावा करते हैं, वादा करते हैं कि मुसलमानों का वोट बैंक उनका है, लेकिन यहाँ पे जो यही रहे चाचा? हाँ, यही रहते हैं जी। हाँ, क्या नाम हुआ? इकबाल अहमद। जहानाबाद अभी किधर चलेगा? जहानाबाद चलेगा इधर लाल ट्रेन में चलेगा, आओ किधर चलेगा? एकदम चलेगा, एकदम चलेगा। मुसलमानों के लिए लालू यादव ने कार्य किया है? काम किया? कार्य किया नहीं किया तो बात की बात है। काम अच्छा किए? हाँ, काम अच्छा किए हैं। तो सुरेंद्र यादव को? जी हाँ, सुरेंद्र यादव को जी। अच्छे कैंडिडेट? हाँ, अच्छे कैंडिडेट हैं। हाँ, मोदी जी काम किए हैं? अच्छा, मोदी जी कोई काम नहीं किए, सब झूठा लफाजी भाषण दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान बांट रहा है, पूरे हिंदुस्तान जान रहा है। अरे करेगा बनवासी रे, बोले देगा, बोलते हो खुद नहीं। हाँ बताइए चाचा। हाँ, मोदी जी काम किए हैं? हाँ, नहीं मोदी जी काम नहीं किए हैं अभी। हाँ बोले आप? नहीं, मोदी जी काम नहीं किए ना, जो भी भाषण दे रहे हैं, जो भी लफाजी भाषण दे रहे हैं, कहें कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, कहाँ आया, कहाँ आया, हम पूछे अच्छे दिन आएंगे, गिरानी इसके से बढ़ा दी ना। 10 सालों में कुछ आया? कुछ नहीं आया, अपने तो 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं लेकर के, सब जगह बेच दिए, हेलो एयरपोर्ट बेदहीन, सेल बेदहीन, सब तो बेदहीन, कहाँ है, कहाँ सेल का? कुछ लोग बोले कि मोदी जी को हम वोट दें जी, नहीं
वोट पड़ेगा सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को। हाँ जी हाँ 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 एकदम सेपरेट एकदम। वही तो खाली कर्जा ले रहे हैं सर, खाली तो कर्जा पे कर्जा ले रहे। पहले 55 करोड़ था, अब 210 करोड़ हो गए है। पहले 55 साल में 65 साल में कितना था? 55 लाख करोड़ था, अभी 210 करोड़ हो गए। क्या नाम है आप? जाबिर जी। लगता है क्या जाबिर भाई, क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए लालू यादव ने काम किया या मोदी ने कहा था? कोई नहीं बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए सर। जितना सब करप्टेड है सर, स्टार्टिंग में सब बोलता रोड बनवा देंगे, नली बनवा देंगे, ये रोड आपका 4-way लाइन यहीं से पार होगा जन शताब्दी अभी, सब खाली बोले वाला बात है सर। मुसलमान तमाम जो यूथ थे देख लीजिए, वोट डालते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और जाति धर्म से उठकर इन्होंने जो बयान दिया है कि अरुण कुमार ने जहानाबाद के लिए बेहतर काम किया। कई लोगों का ये तर्क था कि वो लालू यादव को वोट नहीं करेंगे, कई लोगों को मोदी पसंद थे, कई लोगों को ओवैसी पसंद आया, और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि लोग जाति धर्म से उठकर एक अच्छे इंसान को वोट देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से जहान, हाँ बताइए बताइए, जब से हो संभाले हैं, कोई भी सांसद बने एमएलए बने, ये रोड के भी बना है नहीं बना, ये बना है। हर बार बच्चा गिरता है सर, हर बार बच्चा गिरता है, इसको दिखा दीजिएगा एक बार। इस नाले में हमारे गार्जियन स्वरूप सरकार है, जो हम सरकार बोलते हैं, छोटू सरकार, देखिए इतना मेहनत करते हैं इस रोड में, ये पूरा नाला उन्हीं का बनाया हुआ नहीं है, वो सब जब गिरता तब उठाते हैं वो, ये समझ लीजिए एक मददगार है ये। वो क्या है ना, एमपी नजर आता है, ना एमएलए नजर आता है, ना नगर परिषद नजर आता है। चलिए ठीक है, तमाम जहानाबाद में हम पहुंचे थे और वहां पे लोगों का तर्क जानना चाह रहे थे, लोगों का मूड समझना चाह रहे थे, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जहानाबाद से भले ही कई नेताओं ने यहाँ तक कुर्सी पहुँचे, कुर्सी प्राप्त करने का काम किया, लेकिन जब जहानाबाद की बारी आई, यहाँ पे विकास करने की बारी आई, तो सभी ने जनता को ठगने का काम किया। और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी लालू यादव से गुस्से में भी दिखे और सीधे तौर पर कहा कि जो भी जहानाबाद के लिए कार्य करेगा मुसलमान उन्हीं के साथ होंगे। कैमरामैन अयाज अली के साथ रोहित नटराज, न्यूज पटना।